गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शंभू सर, योर मैथ टीचर. वेलकम बैक टुडे. वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 5.3. पुश क्वेश्चन अर्थ. क्वेश्चन अर्थ वी हैव क्वेश्चन अर्थ सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. Simplify each of the following. देखिए, है ना? तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, क्या है ए? एक्स माइनस इंटर ब्रैकेट 4y माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3x. ठीक. चलिए, ये तो फर्स्ट वन हम स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट की जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो करते हैं. तो एक्स है मैट्रिक्स, माइनस है मैट्रिक्स, 4y है मैट्रिक्स, माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अपन, है ना? ब्रैकेट ओपन करें, प्लस से है, ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 3x. नेक्स्ट वन आफ्टर देन देखिए, एक्स इक्वल्स माइनस सेम एट इज 4y सेम एट इज, इट्स ओके. माइनस पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, 3y सेम एट इज, ये देखिए ये लाइक टर्म्स हैं, तो 2x माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा x भाई, 3x माइनस 2x जो है प्लस माइनस माइनस व्हाट साइन टेका ग्रेटर वैल्यू, इट्स ओके. दैट वन अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, 4y सेम एट इज, माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस 3y माइनस इनटू माइनस प्लस. अब देखिए x तो सेम एट इज है, x सेम एट इज माइनस सेम एट इज, 4 माइनस 3 1 1 और प्लस क्या होगा x. आफ्टर दैट ब्रैकेट ओपन कर ले, ब्रैकेट ओपन कर दे तो x माइनस y माइनस x ये कैंसिल होगा और ये रिमेनिंग जो टर्म होगी वो होगी हमारा माइनस y. क्लियर? ये हमारा होगा माइनस y. ओके, देखिए एक सेकंड. हाँ भाई, तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ. आफ्टर देन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे. तो होमवर्क के लिए देखें, क्वेश्चन थर्ड, सॉरी नॉट अ क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन एट है भाई, है ना? एट क्वेश्चन है क्वेश्चन. तो होमवर्क जो होगा वो आपका सिमिलर एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन एट और उसका बी, क्या होगा होमवर्क बी. क्लियर? चलिए मैं स्टार्टिंग. नेक्स्ट है हमारे पास, इफ वाई इक्वल्स टू माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी रखो. क्वेश्चन नंबर 9, इफ वाई इक्वल्स टू माइनस 3
उस फर्स्ट क्वेश्चन 3y + 10। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें हम देखें कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें मिलेगा। तो सर देखिए यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ देखें तो y = -3 है। जब हम इसे पुट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो ये जैसे 3y, तो 3y = 3 × y, इट द मीन्स 3y = 3 × y, है ना। तो देखिए 3 × y का वैल्यू -3 चल रहा है और +10, है ना। अगेन सॉल्व करते हैं, -3 × 3 = 9 + 10, 10 - 9 क्या होगा आपका 1 आपका ये आंसर होगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।